अंबाला में किसान ने गांव बलाना में बैठकर शहर अनाज मंडी में धरने का ऐलान कर दिया। किसान कल प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ कूच से पहले हिरासत में लिए जाने से खफा है। किसानों ने इस दौरान भाजपा जजपा गांवों में एंट्री बैन का भी ऐलान कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार से कल वार्ता में बात नहीं बनी तो 25 अगस्त को बड़ा ऐलान किया जाएगा। कल किसानों ने बाढ़ मुआवजे की मांग को लेकर चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था। इससे पहले ही किसान नेताओं को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया था और चंडीगढ़ जाने की कोशिश करने वाले किसानों को भी हिरासत में लिया था। इससे खफा किसानों ने आज गांव बलाना में बैठक की और शहर अनाज मंडी में धरने का ऐलान करने के साथ ही गांवों में भाजपा जजपा की एंट्री बैन करने का भी ऐलान कर दिया। फैसला ये हुआ है, जो आंदोलन हमारा चल रहा है 16 संगठनों का, उसके अंदर सरकार ने हरियाणा के आदमी तो छोड़ दिए, पंजाब के आदमी कुछ पकड़े हुए हैं। सरकार ने बात करने की भी कल का टाइम रखा है, लेकिन सरकार से और प्रशासन से हमें कोई तवार वाली बात नहीं है। इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन अनाज मंडी में अंबाला चलता रहेगा जब तक हमारे सभी साथी नहीं छोड़े जाते। और जो साथी की डेथ हुई है उसकी जो हमारी डिमांडें हैं वहाँ की संगरूर में, और एक साथी की टांग कट गई है सरसीनी की, गांव सरसीनी के साथी की, उनके मामले में जब तक हमारी सरकार के साथ बातचीत नहीं हो जाती और सरकार के साथ जो कल मीटिंग अगर उसमें सहमतिपूर्ण बात ना हुई या डिमांडें ना मानी गई, तो फिर ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और अब ये पूरा धरना प्रदर्शन अंबाला अनाज मंडी में दिन रात के लिए लगेगा, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ऐसे ही रेगुलर रहेगा। इसके साथ देखते हैं, प्रशासन ने हरियाणा सरकार के साथ बात करने की है, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग कराने की बात उन्होंने 15 दिन के अंदर ली है, बाद में 15 दिन के अंदर कराएंगे, पहले हरियाणा सरकार के साथ है। देखते हैं कल क्या होता है, बात कराते हैं नहीं कराते हैं, नहीं तो फिर ये अपना धरना प्रदर्शन जैसी भी वहां से कॉल बनाएंगे, जैसी भी 16 संगठन फैसला लेंगे उसके हिसाब से इसको फॉलो करेंगे। जो हुई है यहाँ पे जो मीटिंग हुई है इसमें यही फैसले लिए गए कि जो धरना है वो मंडी में चलेगा, और कल प्रशासन के साथ भी बात हुई थी कि आप धरना चला सकते हो, कल मीटिंग है सरकार के साथ, उसके बाद अगर हमारे मसले हल होते हैं सारे के सारे, और फिर जो भी आदेश संयुक्त मोर्चा जो 16 संगठन है वो करेंगे वैसे ही फैसला के लिया जाएगा। राहुल ये तो 101% है, चाहे ये किसी तरह भी अगर आए तो अपना मैनिफेस्टो लेके आए और 2014-2019 के अंदर जो वादे करे हैं वो, और जो हमारे किसानों के मान लो अब नुकसान हुआ है वो भरपाई अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो हम बैन है गांव के अंदर जेजेपी और बीजेपी का। मौन धारण तो झूठ है ना, झूठे हैं अगर सच है। किसानों ने बताया कि कल सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है, उसमें बाढ़ मुआवजे के साथ साथ आवारा पशु सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उससे पहले कल एक किसान की टांग कट गई थी, वो पंजाब में एक किसान की मौत भी हो गई थी, उन मसलों पर भी सरकार से बातचीत की जाएगी। यदि सरकार ने मांगी नहीं मानी तो 25 अगस्त को किसान बड़ा फैसला लेंगे। सत्य खबर के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।